दोस्तों अभी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन बॉलर मानते हैं हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के दौरान दूसरे दिन में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसे कहर बरपाया कि बांग्लादेश के जितने भी बल्लेबाज थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। रविंद्र जडेजा के स्पेल, आकाशदीप की स्पेल और अंतिम में बुमराह के चमत्कारी गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के जितने भी बल्लेबाज थे वो पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया और एक छोटी सी स्कोर पर ही रोक दिया। और इसके बाद भारत के दूसरी इनिंग में जिस तरह से बल्लेबाजी शुरुआत हुआ है, सुमन गिल, विराट कोहली, उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया और एक बेहतर स्कोर की ओर आगे बढ़ गया। तो आखिरकार दूसरे दिन में कैसे रही भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का प्रदर्शन और कैसे बांग्लादेश के जितने भी बल्लेबाज थे उसकी पूरी तरह से प्लानिंग को फॉलो करके रख दिया, आपको कंप्लीट हाईलाइट दिखाना जा रहा है, साथ ही स्कोर बोर्ड भी आपको दिखाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा के साथ किस खिलाड़ी को ओपनिंग करना चाहिए, जैसे जसवाल या फिर सुमन गिल, नीचे कमेंट बनाकर बताइएगा। दोस्तों इस वक्त टीम इंडिया एक लंबे समय के बाद बांग्लादेश के साथ दो मैचों के टेस्ट सीरीज खेल रहा है, जिसमें से पहला टेस्ट मुकाबला एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है और उसका जो फैसला था कहीं ना कहीं शुरुआत में काफी अच्छा खासा साबित हो रहा था, क्योंकि देखने वाली बात यह कि रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आए, लेकिन यशस्वी जायसवाल इस मैच में अच्छा खासा प्रदर्शन तो करता रहा और लगभग 5 ओवर तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन रोहित शर्मा जब 6 ओवर के पहले गेंद खेलने का प्रयास किया तो वो आउट हो जाते हैं और केवल 19 गेंदों में 6 रन बना पाते हैं। देखने वाली बात यह कि मैच एक खराब शुरुआत के साथ टीम इंडिया एक बेहतर स्कोर की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद यहाँ से सुमन गिल की एंट्री होती है 3 नंबर पर, लेकिन सुमन गिल इस मैच में बात यह है कि कोई भी अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाता है और सुमन गिल इस मैच में 0 पर आउट हो जाता है। इसके बाद 4 नंबर पर विराट कोहली की एंट्री होती है, लेकिन विराट कोहली भी इस मैच में अपनी टीम के लिए कोई खास योगदान नहीं दे पाता और केवल 6 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो जाता है। देखने वाली बात यह कि सुमन गिल, विराट कोहली और यहाँ तक कि रोहित शर्मा एक सस्ते में निपट जाने के कारण बांग्लादेश के जितने भी गेंदबाजी थे वो पूरी तरह से टीम इंडिया के ऊपर हावी हो रहा था और उसका मनोबल भी काफ़ी बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ से एक अच्छी खासी टीम इंडिया के लिए शुरुआत की दरकार थी और ऐसे में यहाँ से यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आते हैं ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत में इस मैच में काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन करता है और यशस्वी जायसवाल का अच्छा खासा साथ देता है। ऋषभ पंत देखती है कि उन्होंने इस मैच में 52 गेंदों में 39 रन के सबसे बढ़िया पारी खेलता है, तो यशस्वी जायसवाल अपने मैच के दौरान उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेला, उन्होंने 118 गेंदों में 56 रन के सबसे बढ़िया पारी खेली जिसमें से 9 चौके शामिल थे। ये तो बात थी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की, लेकिन जिस तरह से यहाँ से मिडिल ऑर्डर में रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने बल्लेबाजी किया, ऐसे में लग नहीं रहा था कि मैच पूरी तरह से एक तरफा अंदाज में चला जाएगा। तो ये देखिए मैच की शुरुआत तो काफ़ी अच्छा खासा हो गया था और 6 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया एक ज़्यादा कोई खास स्कोर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन 300 का आंकड़ा छूने के बाद ये दोनों बल्लेबाज थे जिन्होंने इस मैच को एक जान फूंक दिया। देखिए कि रविंद्र जडेजा इस मैच में काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन किया और उन्होंने 124 गेंदों में 86 रन के सबसे बेहतरीन पारी खेले, तो आर अश्विन इस मैच में सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ पटरने वाले खिलाड़ी का नाम है, क्योंकि आर अश्विन ने इस मैच में ऐसे छक्के और चौके की बरसात कर दिया मानो ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा था बल्कि ओडिया मैच चल रहा था, क्योंकि रविचंद्र अश्विन ने 133 गेंदों में 113 रन के सबसे शानदार पारी खेले जिसमें से 2 छक्के और 11 चौके शामिल थे और इसका स्ट्राइक रेट 84 का था। ऐसे में रविचंद्र अश्विन इस मैच में किस तरह से भूमिका निभाई ये तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में आर अश्विन का रन आया जब भारत का स्कोर एक छोटे से स्कोर पर निपटने वाला था, क्योंकि भारत के जिस तरह से विकेट गिर गए थे टॉप ऑर्डर के, ऐसे में लग रहा था कि मैच जल्दी समाप्त हो जाएगा लगभग 200 के टारगेट के, लेकिन फिर यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के लिए अच्छा खासा जान फूंक दिया। इसके बाद यहाँ से आकाशदीप ने 17 रन, इसके बाद बुमराह ने 7 रन और सिराज नॉट आउट पारी खेली कि टीम इंडिया एक अच्छा खासा स्कोर तक पहुंच चुका था। दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान रविंद्र जडेजा के 86 रन और इसके बाद आर अश्विन के शतक की पारी की मदद से टीम इंडिया ने 10 विकेट के नुकसान पर 376 रन का सबसे विशाल स्कोर बांग्लादेश के सामने खड़ा कर दिया, जो कि पहली पारी में जिस तरह से बांग्लादेश के गेंदबाज शुरुआत किया था उसी तरह ऐसे में लग रहा था कि टीम इंडिया एक अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाएगा, लेकिन इन दोनों बैट्समैन की वजह से टीम इंडिया ने पहली पारी के दौरान एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर लिया। अब बारी थी बांग्लादेश के बल्लेबाजी के बारे में और यहाँ से टीम इंडिया के जिस तरह से जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन और जडेजा जैसे दिग्गज बॉलर हो तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों की क्या मजाल की वो अच्छा खासा स्कोर कर पाए। आज के मुकाबले में जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने अपना प्रदर्शन किया है बांग्लादेश की जीत पूरी तरह से उसकी प्लानिंग को फ्लॉप करके रख दिया। आपको बता दें कि बांग्लादेश की तरफ से सदाम इस्लाम और जाकिर हसन ओपनिंग करने आए, लेकिन ये दोनों ओपनर बल्लेबाज अपने टीम के लिए कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। जब बुमराह पहली ओवर के लास्ट गेंद में सदाम इस्लाम को चलता कर दिया 2 रन के स्कोर पर, इसके बाद जाकिर हसन भी वो भी अपने टीम के लिए कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और आकाशदीप के गेंद पर वो शिकार हो जाता है, और इसके बाद देखते देखते मोमिनुल को भी पहले गेंद में चलता कर देता है और यहाँ से बांग्लादेश के जितने भी बल्लेबाजी थे वो पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ गया था, क्योंकि शुरुआत के ही 5 ओवर के अंदर ही 3 विकेट जा चुके थे। इसके बाद यहाँ से सेंटो और मुशफिकुर रहीम ने अपनी टीम के लिए शुरुआत दिलाई, लेकिन ये भी कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जब सिराज के हाथों सेंटो आउट हो जाते हैं, जिसमें से सेंटो इस मैच के दौरान केवल 30 गेंदों में 20 रन की ही पारी खेल पाता, तो मुशफिकुर रहीम भी ये भी कहाँ बुमराह का
स्पेल समझ पाते, वो भी 14 गेंदों में केवल 8 रन बनाकर वो बुमराह का शिकार हो जाता है। और यहाँ से जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से शुरुआत हुआ था, ऐसे में लग रहा था कि एक छोटे से स्कोर पर ही रुक जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम की जिस तरह से गेंदबाजी हो रहा था, ऐसे में बांग्लादेश के जितने भी बल्लेबाज थे उनके सामने इसका कोई तोड़ नहीं था। इसके बाद भी लिटन दास, जो कि इस सीजन काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस मैच में केवल वो 22 रन ही बना पाते हैं। और साकिब अल हसन, वो भी एक अच्छे खासे ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ जडेजा का वो शिकार हो जाता है, उसमें से केवल से 32 रन का स्कोर कर पाता है। और अंतिम में एक मेहदी हसन एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 52 गेंदों में एक अच्छा खासा स्कोर किया अपनी टीम के लिए, और उन्होंने 27 रन के योगदान से बांग्लादेश की टीम एक अच्छा खासा स्कोर तक पहुंच पाया। इसके बाद यहां से अंतिम में जितने भी बैट्समैन आए वो कोई भी अपने टीम के लिए खास योगदान नहीं दे पाए। जहां हसन महमूद 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, तो वहीं टास्किन अहमद भी 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और इसके बाद नदी राणा जो 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। बात करें इस मैच के दौरान भारतीय गेंदबाजी के बारे में, तो बुमराह ने अच्छा खासा गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 4 विकेट अकेले चटका लिए, जिसके बाद सिराज ने भी 2 विकेट चटकाए, और आकाशदीप ने भी 2 विकेट चटकाए, और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट चटकाए, जिसकी मदद से बांग्लादेश की टीम ने पहले इनिंग के बल्लेबाजी करते हुए 149 रन 10 विकेट के नुकसान ही बना पाया। देखने वाली बात यह कि छोटा मोटा स्कोर टीम इंडिया के सामने खड़ा करके देना, ये बिल्कुल ही अपने हार के और बढ़ता हुआ दिख रहा था। इसके बाद जब यहाँ से टीम इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत होती है, तो जो कि यशी जसवाल, जो कि पिछले इनिंग में काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस मैच में उन्होंने कोई खास कमाल नहीं कर पाते, वो 17 गेंदों में केवल 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो वहीं रोहित शर्मा भी इस मैच में पिछले इनिंग की तुलना में उन्होंने केवल 5 रन का ही स्कोर खड़ा कर पाता है, लेकिन सुमन गिल जो कि पिछले इनिंग में वो 0 पर आउट हो गया था, लेकिन इस मैच में अभी वो अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहा है, और उन्होंने 64 गेंदों में 83 रन का स्कोर खड़ा कर लिया। लेकिन विराट कोहली जो कि देखा जाए तो एक अच्छा खासा स्टार खिलाड़ी है, लेकिन इस मैच में ना ही पिछले मैच में कोई खास कमाल कर पाया, और ना ही इस मैच में भी कोई अच्छा खासा अपनी टीम के लिए योगदान दे पाया। विराट कोहली इस मैच के दौरान 37 गेंदों में केवल 17 रन का स्कोर खड़ा कर पाता है। इसके बाद ऋषभ पंत भी 13 गेंदों में 12 रन का योगदान देता है, और यहाँ से टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 81 रन का स्कोर खड़ा कर पाता है। और अभी देखने वाली बात यह है कि दूसरे दिन भी टीम इंडिया अभी 308 रनों का लीड ले लिया है। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज प्रदर्शन कर रहा है, क्या ये मुकाबले को अपने नाम कर पाएगा? निश्चित कमेंट अपना बताइएगा, और क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।